से मिलने के लिए आई हैं, उनके ससुर की डेथ हुई है, उन सब सोर्स करने आई हैं। और मेरे साथ अलम निश्रा भी है, ये आप देख सकते हैं अलम निश्रा बेबी, ये मुस्तफा भी है हमारे साथ और डॉक्टर फरीद भी हैं। बाबा जी इज वेरी क्लोज टू अवर फैमिली और आज से हम उनके ससुर का अफसोस करने के लिए उनके घर आए हैं। माशाल्लाह से उनका घर बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, वेरी गुड टेस्ट माशाल्लाह से। कैलीग्राफी बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लग रही है और माशाल्लाह से बहुत ही अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी मेंटेन करेंगे। अल्लाह ताला इनको नसीब करे, इनके लिए खुशियाँ पैदा करे, इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये मैं हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारी टाइल है ये और ऊपर लाइट के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही लाइट है, वेरी गुड टेस्ट माशाल्लाह से। वाह व्हाट अ नाइस ड्राइंग रूम, एक्सीलेंट एक्सीलेंट माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सीख दे। और करारा वाइट है, प्लाई वेरी गुड, दोनों बच्चे बड़े शरीफों की तरह साथ साथ बैठते हैं, कितने अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे बहुत प्यारे माशाल्लाह। इनका टीवी लाउंज है, बहुत ही प्यारा है। इसका डर्टी किचन है और दूसरा वाला किचन है साथ साथ है माशाल्लाह। इसकी वेंटिलेशन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा वॉशरूम है, विंडोज भी बहुत प्यारी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा शौक होता है दिखाने का जिसने बनाया होता है मेहनत से, और वो बहुत शौक से हमें दिखा रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। ये बेडरूम है बाबा जी का और उनकी वाइफ का माशाल्लाह, व्हाट अ टेस्ट, एक्सीलेंट। वाओ सीट भी तो मोड भी है, ये हमारी जान कलर ले ले अपने मुंड पे साधना जवेस आ ले जांदा सी बना लेदा ये तो आप मेरे मतलब आ जाता माशाल्लाह। अच्छा है, तीनों बेडरूम्स नीचे ही आपने रखे हुए हैं, बड़े बेड हैं खुले, बार को आ जाए मेहमान बारो बार, बाहर से वॉशरूम या फिर ड्राइवर वगैरह। सबसे अच्छी चीज़ इस घर के अंदर ये है कि बाबा जी ने अपने लिए नमाज का कमरा सेपरेट बनाया है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी है, छोटी सी मस्जिद है। जी अल्लाह हाफिज़, हमें आपके साथ बहुत मज़ा आया, अल्लाह ताला आपके आपके लिए खुशियाँ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। फाइनली अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, मुस्तफ़ा हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा गपशप प्रोग्राम के अंदर, लेकिन मसला ये था कि जो मुस्तफ़ा था सुबह को उठा हुआ है और वो सोफे बैठा बैठा सो रहा था, अलम निश्रा भी नींद में थोड़ी सी थी जबकि घर में इनको बिल्कुल नींद नहीं आती, ज़बरदस्ती इनको 12-1 बजे 2 बजे तक भी जागते रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये स्कूल की वजह से ज़्यादा टाइम सेट है तो जल्दी सोने लगे हैं, पर अच्छी बात है, शुक्र है, देर है पर दुरुस्त है, थैंक यू वेरी मच।